आज हम नाइन्थ क्लास के इससे पहले उर्दू में जो पहला चैप्टर आपको हमने पढ़ाया था और उसमें क्वेश्चन लिखाए थे आपको, आप बताइए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है मुख्तसर गुफ्तगु। तो आसान है ये, आप ऑब्जेक्टिव है, आप अपने कर लेंगे। एहतियातन मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला सवाल है, मिर्जा गालिब ने अच्छे आम के बारे में क्या कहा गया था? तो इसमें बे ऑप्शन जो है, बहुत से हो और खूब मीठे हो। दूसरा सवाल में, हीरो कितने तरह के होते हैं? तो जानते हैं आप, पहला अलिफ है, दो होते हैं। लखनऊ के दो बांके किस तरह सफर कर रहे थे? तो रेलगाड़ी में। तो दाल है इसका ऑप्शन। सफर करने वाले दूसरे बांके ने कुल्ली को क्या उठाने के लिए कहा? तो जिम है ऑप्शन में। इसका जवाब जिम है, अपना टिकट। मौसमी हीरो किस तेजी के साथ बढ़ता है? तो बे है ऑप्शन में, बेस जवाब है, कद्दू करेले की लत की तरह। इसके बाद तफसीली गुफ्तगु, आप आए बोर्ड पर, तफसीली गुफ्तगु हम आपको बोर्ड पर लिखे हैं। तफसीली गुफ्तगु का सवाल नंबर एक है कि सैयद मोहम्मद हुसैन के मजमून की अहम बातें अपनी जुबान में लिखिए। तो मजमून निगार ने जवाब है, मजमून निगार ने गालिब के तज़किरे से अपना मजमून शुरू किया है और कहा है कि जिस गालिब को खट्टे और मीठे दोनों तरह के आम पसंद थे, उसी तरह हीरो की दो मिसालें दी हैं, एक मिसाली और दूसरा मौसमी। सवाल दो है, मजमून निगार ने मिसाली हीरो के बारे में जो कुछ कहा है उसे मुख्तसर बयान कीजिए। जवाब है, मिसाली हीरो किताबी दुनिया में नशोनुमा पाता है, उसके सोचने के अंदाज तरक्की पसंदाना होते हैं। तीसरा है, मजमून में मौसमी हीरो को किन किन चीजों से मिसाल दी गई है, समझाकर बताइए। तीसरा है, मजमून में मौसमी हीरो की मिसाल स्टीम इंजन के भभकते धुओं की तरह। एक मिसाल है कि स्टीम इंजन के भभकते धुएं की तरह उसकी मिसाल दी गई है, जैसा कि आप देखते हैं कि मशीन के इंजन का धुआं जैसे भभकता है, कभी तेज फेंकता है, कभी कम फेंकता है, कभी लो निकलता है, कभी हाई निकलता है, उस तरह से स्टीम के धुएं की मिसाल दिया है कि मौसमी हीरो कभी उभरते हैं, कभी कमजोर होने लगते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी घटते हैं। और दूसरा मिसाल दिया है कद्दू और करेले के लतों की तरह। दूसरा मिसाल है कद्दुआ और करेला का, जिस तरह से लत्ती आगे बढ़ता है और खूब बढ़ता है, उसी तरह से ये हीरो होते हैं जो कद्दुआ और करेले के तरह जो है खूब बढ़ते हैं और खूब बढ़ते जाते हैं, अंत में क्या हो जाते हैं, वह सूख करके खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। उसी तरह से कुछ दिन तक ये चलते हैं, अपने आप को लोगों के सामने में हीरो बनने की कोशिश करते हैं, कपड़े पहन कर, जैसा कि हमने आपको इसे पहले कई मिसालें दे के समझाई। पांचवा सवाल है, मजमून हीरो पढ़ने के बाद आपने क्या महसूस किया है, अपने लफ्जों में लिखा। मजमून पांचवा जगह जवाब है, मजमून हीरो पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि इंसाइया एक जहनी तरंग है, यह गालिब के आम से शुरू होकर हीरो की तरफ चली जाती है। मजमून निगार ने तंज का सहारा लेते हुए मुआसरे के माहौल को पेश किया है, यहाँ रोजाना हमारा वास्ता हीरो से होता है। ये मजाहिया का मतलब हुआ कि जिस चीज में आदमी को हंसी आवे,
या दिलचस्पी बढ़े, माने चुटकुला वगैरह किस्म का, यानी मजाक का मतलब हो गया कि आपको कोई ऐसी बातें, ऐसा मजमून या ऐसी चीजें बताई जाए या पढ़े तो उसमें खुशी महसूस हो, यानी हंसी आए। ये हुआ चैप्टर आपका खत्म। अब हम आपको अगले बार अफसाना पढ़ाएंगे कृष्णचंद्र का, पूरे चांद की रात। ये अफसाना अगले वीडियो में हम आपको ये पढ़ाएंगे।